हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पीएनएम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। शाम से ही बच्चे नाश्ते की जिद कर रहे थे कि जल्दी से नाश्ता बनाओ, जल्दी से कुछ लाओ खाने के लिए। तबीयत ठीक ना होने की वजह से बनाने का मन नहीं कर रहा था। फ्रूट्स रखे हुए थे, मैंने कहा जाकर के लेके सब लोग खा लो, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं कि हमें ये नहीं खाना, हमें नाश्ता ही करना है कुछ स्पेशल बना करके। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो इसी फ्रूट्स का ही थोड़ा सा कुछ स्पेशल तरीके से दे देते हैं, ताकि ये लोग खा लेंगे और खुश भी हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक अमरूद को ली हूँ और इसे मैं धुल करके इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। उसके बाद इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी, थोड़ा चटपटा स्पाइसी बना दूँगी, उसके बाद इसे सर्व करूँगी। और जब मैंने इस तरीके से सर्व किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए देख करके कि वो झट से खाने के लिए तैयार हो गए। वही कि कुछ मिनट पहले जब मैं कह रही थी कि फूड लेकर के खा लो तो कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने इस तरह से काट करके दिया तो सबको लगा हाँ ये कुछ स्पेशल है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इस तरह से बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को आप टिफिन में दे सकते हैं। और वैसे भी नॉर्मली जब उनको हल्की फुल्की भूख डरने लगे तो आप इस तरह से फ्रूट्स का जो है स्नैक्स बना करके दे सकते हैं, जो हेल्दी भी होता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आपने देखा है कि कितनी झटपट मैंने बस 2 मिनट में ही इस नाश्ते को बना करके तैयार कर दिया, जो कि जो है हेल्दी भी है, खाने में थोड़ा चटपटा और टेस्टी भी है, और बच्चे बहुत मज़े से खुश होकर इस नाश्ते को खा भी लेंगे। तो आपने देखा है खुद ही कि कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा, और हेल्दी तो आ ही है। तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।